अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर माय फ्राइडे रूटीन। और मैं मार्केट गई थी तो मैं आपके साथ वो भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, आज जुम्मा था तो मैंने सोचा क्यों ना हेयर मास्क अप्लाई कर लिया जाए। मैंने सोचा जुम्मा है क्यों ना हेयर केयर कर ली जाए कुछ। तो ये केराटिन मास्क है, इससे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और ये लगाने के बाद अपने बालों को जो है शॉपर से कवर कर लिया था। और साथ ही साथ घर में खाना बन रहा था क्योंकि नमाज की तैयारी भी होती है साथ साथ। तो मम्मा ने बनाई थी दाल, बनाई थी दाल। बनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से चावल उबाल ले जाएँ, क्योंकि दाल और फिर साथ में चावल ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ये मेरी ज़िद थे, बस मैंने थोड़े से बॉईल किए थे। मैं हमें देखी थी कि भाई क्या करने क्या नहीं करना, उसके बाद मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ में बॉईल करते हुए अच्छा, मैं फिर साथ में मैंने ना जो पानी भी हुआ था ना, जिसमें मतलब चावलों का जो पानी था मैंने फेंका नहीं था, इस हिसाब से मैंने ग्लास में ले लिया था क्योंकि इट्स सो गुड फॉर द स्किन। और बस उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना चाय बना लिया। बीच में मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैं नहीं ले सकी ज़ाहिर है ब्लॉग में। और यहाँ मैंने तबाही मचाई अपने चूल्हे की, ब्लॉग करने के चक्कर में जो है ना पूरे चूल्हे की दबाई होगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और मैं देखी थी कि यार मैंने क्या किया है, मैंने अभी सफाई की थी। खैर एनीवेज, फिर ये तो चलता रहता है। मैंने फिर इसकी सफाई की और फिर बस सबको मैंने सर्व की चाय। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मार्केट जाना था, तो मैंने अपना अबाया निकाला, स्टॉलर निकाला और साथ में ये बैग। और मैं ना एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही थी जैसे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है हमेशा। तो मैं जितनी दफ़ा भी पर्स फेंक रही थी वो उल्टा जा रहा था। और मैं भी सोच रही थी कि नहीं मैंने ये करना है। खैर तो ये छोटा सा ब्लूपर मैंने ऐड कर दिया कि खैर है। तो बस ये मेरी तैयारी चल रही थी। अच्छा, मैं हमेशा ना वॉच ज़रूर पहन के जाती हूँ, मेरे भी जाना होता ना, क्योंकि फिर वक्त का पता चलता रहता है, वरना आपको ऐसे पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ। तो बस मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से पैसे भी पर्स में रख लिए जाए जो सामान लेना है, वरना मसला हो जाएगा। यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और बस निकलने ही करनी थी। अच्छा, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ से लाई क्या थी, क्योंकि मार्केट में तो जाके बिल्कुल ही मोबाइल निकालना मुश्किल हो गया था। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने ये यूनिवर्सिटी के लिए बैग लिया था। कोई बैग में क्योंकि नोटबुक वगैरह रखनी नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ये साइज़ बिल्कुल बेस्ट रहता है यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आई लव द साइज़ ऑफ द बैग। बाकी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि उन्हें ये ले लिया जाए, क्योंकि टोट बैग्स वगैरह बहुत उठा लिए, अब मेरा ना उनसे दिल भर गया। तो वही मैंने बैग लिया था। आप सब मुझे बताइएगा कैसा लगा बैग। और एक मैंने लिपस्टिक ली थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि लिपस्टिक के जो शेड्स हैं ना वो चेंज करती रहूँ। अच्छा, ये थोड़े से डार्क शेड था लेकिन फिर ये ग्लॉसी था ना, तो जब लगा के मैंने चेक किया तो कुछ इतना ज़्यादा डार्क नहीं था। और ये ग्लैमरस का था, लाइट का इतना इशू हो रहा था कि ना चीज़ें सही से नज़र नहीं आ रही थी। और ये देखिए मरून सा शेड है लेकिन थोड़ा सा ग्लॉसी था। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ अपने हाथ पे, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था लगाने के बाद ना, लिप्स के ऊपर बहुत उठ रहा था ये। तो ये छोटी सी लिपस्टिक ली थी। उसके अलावा मुझे एक मस्कारा लेना था, तो मैंने कलर इंस्टीट्यूट का मस्कारा लिया था। और दिस इज़ अमेजिंग, लिटरली दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि आई लव मस्कारा। तो मैंने आते ही इसको यूज़ किया और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग, इतना लॉन्ग लास्टिंग है ये और फैलता नहीं है सबसे बड़ी बात। जैसे काफ़ी सारे होते हैं ना मस्कारा जो आपकी आईज़ को ब्लैक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये दो दिन बाद उतरेगा लेकिन बिल्कुल ब्लैक नहीं करेगा आपकी आईज़ को। अच्छा, तो उसके बाद मैंने ये बॉब का फेस पाउडर लिया था। वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता लेकिन ले लिया था क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था। तो यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो कुछ ना कुछ तो आपको फेस पर अप्लाई करना ही पड़ता है। तो ये नीचे इसका पफ था और बाकी आइवरी शेड है मेरा, क्योंकि तो इसी फेयर टोन है तो इस वजह से। और ये छोटा सा नेकलेस मुझे पसंद आ गया, जबकि मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी वेयर नहीं करती। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।